गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आर यू हियरिंग माय वॉइस? ओके ओके ओके. सो टुडे आई डिलीवर लेक्चर ऑन निमेटोड डिजीजेस इन प्लांट्स. थ्री और four disease belong to our syllabus of nematode disease in plants, yet we study about fungal, bacterial and viral disease, and now we discussed about nematode disease in plants. How many nematodes cause disease in crops, fruit, vegetables cause disease? So today I discussed about nematode diseases in plants. First of all, we discuss about what is nematode. क्योंकि nematode disease पढ़ने से पहले, before studying about nematode, we discuss about what is nematode. Nematode, study of free living and plant parasitic nematode is known as nematology, means free living and plant parasitic, means totally depend किस पे हो वो? Plants पे. Parasite क्या होते हैं? Totally उनका survival, nutrition totally depend another living organism or plant, known as nematology, means nematode की study करना ही nematology है. Father of nematology, H.C. Bastians and also Anacob, Nathan Augustine Cobb, nematode. It derived from two Greek words, in which, like first, nemaoid. Nema means thread. Oid means like, thread-like organism. You have clear seen this picture. This is a thread-like organism, nematoid, nemaoid. Greek word means thread like organism, also known as ilvum or round worm, because of round in cross section, I think we not need to discuss more about nematode, because of you already studied first year also nematology, fundamental of nematodes. So we discuss about plant nematode diseases. First one, ear cockle disease of wheat, pathogen Anguinatitisi, first time reported by J.T. Needham, 1743. This nematode association with a Clavibacter titisi, we know very well that This is a complex disease. Bacterial, also nematology. Nematode plus bacterial. Clavibacter titisi is caused yellow ear rot, also tundu disease of wheat. The seed gall have 3,000 to 12,000 second stage juvenile in a frequent stage. Yani continuously jo बैक टू बैक जो स्टेज आएगी उसमें कितने सीड गाल होंगे? 3,000 to 12,000. इट फर्स्ट फीड एज एक्टोपैरासिटिकली, यानी फर्स्ट स्टेज है वो कैसे फीड करेगी? एक्टोपैरासिटिकली. अब टर्म आती है, व्हाट इज एक्टोपैरासिटिकली, मतलब एक्टो यानी आउटसाइड. पैरासाइट कौन है? प्लांट. जो प्लांट के आउटसाइड फीड करे. एंड आफ्टर थ्री स्टेज, यानी फोर्थ स्टेज होती है इसमें, फर्स्ट स्टेज एक्टोपैरासिटिकली बिहेव करेगी, आउटसाइड भी फीडिंग करेगी, वाइल इन केस द अदर रिमेनिंग थ्री माउथ्स इट बिकेम एंडोपैरासिटिक, मींस एंडो मींस इनसाइड इन द पैरासाइट. सिम्टम्स, सीडलिंग लीव्स आर ट्विस्टेड एंड क्रिंकल्ड. सीडलिंग लीव्स सिम्टम्स कैसे होंगे? इफ यू गो इन फील्ड देन व्हाट इज ऑब्जर्व इन द फील्ड? सिम्टम्स, सीडलिंग लीव्स आर ट्विस्टेड एंड क्रिंकल्ड. सीडलिंग मींस सीडलिंग स्टेज, लीव्स होंगी वो ट्विस्टेड रहेंगी, क्रिंकल्ड हो जाएंगी यानी वो मुड़ जाएंगी.
विकृति आ जाएगी उनमें, डिफॉर्मिटी। सीडलिंग में स्टंट एंड डाई, सीडलिंग कैसा हो जाएगा, बोना यानी ड्वार्फ एंड डाई, इन सीवियर कंडीशन डेथ भी हो सकती है प्लांट की। प्लांट शो प्रफ्यूज चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे टिलर्स होंगी उसमें, एंड इन्फेस्टेड प्लांट ईयर ऑलमोस्ट 30 to 40 days बिफोर हेल्दी प्लांट। इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड कॉमन टिपिकल करेक्टर। इन्फेस्टेड प्लांट होगा जो आपकी ईयर इन्फेस्टेड है, ईयर कोकल से, ईयर नाम से बहुत कुछ जाहिर होता है डिजीज वाले, प्लांट पैथोलॉजी एंड डिजीज। इट्स वेरी सिंपल, वाई, बिकॉज अगर हम प्लांट डिजीज की बात करें, आप पहले नाम पे जाओ, क्या नाम है डिजीज का, ईयर कोकल, ठीक है। ईयर क्या होता है, जो बाली होती है गेहूं की उसे क्या बोलते हैं, ईयर। कोकल मतलब गॉल फॉर्मेशन बन जाना, ठीक है। सो क्या होगा इसमें, हम फील्ड में जाएंगे, हम क्या देखेंगे, फील्ड में बहुत सारी टिलरिंग होगी जो कि अबनॉर्मल है, नॉर्मल बहुत कम होती है, जबकि बहुत सारी टिलरिंग होगी। और जो इन्फेक्टेड प्लांट है हमारा, वो 30 से 40 दिन पहले ही ईयरिंग हो जाएगी उसमें, ईयर फॉर्मेशन 30 से 40 दिन पहले ही ईयर फॉर्मेशन हो जाएगा, रादर देन नॉर्मल प्लांट्स, हेल्दी प्लांट्स। फाइनली सीड आर रिप्लेस्ड बाई गॉल्स, सीड किस में चेंज हो जाएंगे, गॉल्स यानी आउट स्वेलिंग, ब्लैकिस। The most important character of this nematode is the conversion of grain into cockle or galls. Most typical character क्या है, हमने नाम में देखा ear cockle, तो ear में क्या होते हैं healthy plant में, grain, grain किस में change रहेंगे, cockle और gall. You have clear seen this picture, this is a healthy and this is a diseased, like that cockle or galls formation replace grain. मैनेजमेंट, साल्ट फ्लोटेशन, यूज ऑफ 20% साल्ट सॉल्यूशन फॉर वॉशिंग ऑफ सीड इज वेरी इफेक्टिव कंट्रोल मेथड। हॉट वाटर ट्रीटमेंट फॉर 50 to 4 degrees Celsius फॉर 10 minutes। क्रॉप रोटेशन ऑल्सो यूजफुल मेथड टू एस्केप इन्फेस्टेशन ऑफ निमेटोड। सेकेंड, सीरियल सिस्ट मोलिया डिजीज निमेटोड, पैथोजन हेट्रोडेरा एवेनाई, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय वुलन वेबर 1924। पैथोजन क्या होगा, हेट्रोडेरा एवेनाई, और फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया वुलन वेबर ने। फीमेल कैसी होगी इसकी, जिग जैक पैटर्न। हेट्रोडेरा की फीमेल कैसी होगी, जिग जैक पैटर्न और लेस लाइक पैटर्न ऑन बॉडी नॉन एज सिस्ट वॉल पैटर्न, मीन्स दैट्स वाई कॉल्ड सिस्ट वॉल पैटर्न। सिम्टम्स, प्लांट्स आर स्मॉल इन लेंथ, प्लांट कैसा होगा, लेंथ में स्मॉल होगा, लार्ज पेजेज होंगे, लार्ज एरिया अप टू सेवरल एकर, एंटायर फील्ड आर स्टंट एंड क्लोरोटिक, मींस प्लांट वही सेम निमेटोल, जितने भी प्लांट निमेटोड डिजीज है, आई थिंक मोस्ट ऑफ सिमिलर सिम्टम्स लाइक दैट, स्मॉल हो जाएगा ग्रोथ में, ड्वार्फ स्टंट, लार्ज पेजेज होंगे एंड filled are stunted yani dwarf and chlorotic yani yellowing. You have clear seen this picture, this is a root are locally thick and high branched, bahut zyada jaise high profuse tilling bhi ho rahi hai isme aur high branching of roots also. If the frequency of nematode are higher in the field then cultivated plant density are less. Management same, crop rotation, early sowing, deep plowing. Deep, why do deep plowing, because of deep plowing is destroy principal egg of nematode. Grow resistant variety like wheat, Raj MR first. Note root diseases of vegetables, our syllabus also belong this, root knot nematodes mainly in vegetables, causes in vegetable plants. Melidogyny, नाम से जिसे देखो, नॉट रूट डिजीज यानी उसकी रूट में क्या हो जाएगी, नॉट का मीन्स गांठे, जड़ों में गांठे हो जाएगी, ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड है पैथोजन मेलिडोगाइनी, अब इसका पैथोजन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम,
मेलेडोगाइनिंग का मतलब होता है मेलन शेप, इसकी जो फीमेल होगी वो मेलन शेप की होगी। सबसे पहले फर्स्ट रिपोर्टेड बाय बर्कले 1855 फ्रॉम कुकुम्बर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनी टाइम क्वेश्चन आस्क। आप ये मत सोचो, निमेटोड डिजीज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड काफी क्वेश्चन निमेटोलॉजी में से आते हैं, जैसे JRF, PG, ओके लाइक दैट। नॉट रूट डिजीजेस कॉज्ड बाय विच स्पीसीज लाइक दैट मेलेडोगाइनी एंड फर्स्ट रिपोर्टेड बाय मेलेडोगाइनी और रूट नॉट रूट वेजिटेबल ब्रैकले। सो प्लीज टेक सीरियस, इन इंडिया इट रिपोर्टेड बाय बार्बर इन 1909 इन टी केरला, यानी इंडिया में चाय में डिस्कवर किया गया बार्बर ने 1909 में। मीन्स मेलन एंड एप्पल शेप फीमेल, कैसी होगी इसकी फीमेल, मेलन और एप्पल शेप। इन मेलेडोगाइनी द पेरेनियल पैटर्न प्रेजेंट ऑन वल्वा एनस विच इज हेल्पफुल इन स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, इट इज ए टिपिकल करेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन। एंड सेक्स डिफरेंशियल अकर इन लेट सेकेंड जर्नल स्टेज में, सेक्स डिफरेंशियल कब होगा, सेकेंड जर्नल स्टेज के लास्ट में, वहां वेयर द जेनिटल प्राइमोर्डियल इज बिकम वी शेप इन फीमेल एंड टी शेप इन मेल, सो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई हु इज द मेल हु इज द फीमेल। सेकेंड जर्नल इज ओनली इन्फेक्टिव स्टेज इन मेलेडोगाइनी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड take serious because most time question asked in many exam, competition exam like that, what stage, char stage hai, what stage is infective stage, so second juvenile is only infective stage in melanogyny, please it is a very important। spike tail, ab ek term hai spike tail, kya hota hai, इट इज सक्सीडिंग मोल्टिंग, यानी सेकेंड स्टेज के बाद में थ्री और फोर्थ स्टेज में मोल्टिंग होना, यानी उसे ही क्या बोलते हैं स्पाइक टेल। अब मोल्टिंग शब्द क्या है, मोल्टिंग कभी सांप देखा है, सांप की कैचुले देखी है, कई बार हम घरों के आसपास सांप की कैचुले देखते हैं, यही मोल्टिंग है, यानी वो उसका जो आउटर लेयर है स्किन की वो रिमूव कर देता है, उसे ही मोल्टिंग कहा जाता है। Most of species of melanogyny complete life cycle within 25 days. Symptoms, the reaction of to the entrance of the leaves, the reaction to the entrance of the larvae is the development of hypertrophy of cortical cells and formed 6 to 10 giant cell from which it derived food. Second larvae enter karegi, enter karne ke baad mein hypertrophy, here term hypertrophy. What is hypertrophy? Hypertrophy means cell ka size increase hona. Hyperplasia means cell ka number ya dividation increase hona. Cell number increase hona. Where we talk hypotrophy. Hypo means kya hota hai? Reduce. Hyper increase. जैसे हम कभी गुस्से में रहते हैं तो हमारे कोई कोई कुछ बोलता है ना, अरे हाइपर क्यों हो रहा है इतना, तो हाइपर यानी आपका टेम्परेचर इतना हाइपर क्यों हो रहा है, इंक्रीजिंग, जबकि हाइपो मींस रिड्यूस। ओके, सेल्स जाइंट सेल्स हैं वो 6 से 10 बन जाएंगी जहां से ये फूड डिराइव करेंगे, लाइक दैट इफ वी टॉक अबाउट वेजिटेबल सोलेनेशी रूट नॉट ऑफ सोलेनेशी एंड पोटेटो, we can see this type typical symptoms. This is a root knot, it is a very typical and important symptoms. You have clear seen this picture, this is a knot. In aap dekhenge kisi bhi plant ki roots ko aap uproot karenge ya phadenge, simple healthy plant mein aisi roots nahi hongi, while in case of the infected plant you observe that रूट नॉट्स, कितनी गांठें बनी हुई है जड़ों में, यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर। इवन आप इन गांठों को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसमें से आपको कोकल्स दिखेंगे, मींस निमेटोड्स दिखेंगे। निमेटोड सीक्रेट प्रोटीएज एंजाइम, अब मोड ऑफ एक्शन क्या है निमेटोड का, एंजाइम सीक्रेट करता है और ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड्स व्हिच इज प्रीकर्सर, जो कि किसका प्रीकर्सर होता है, ट्रिप्टोफैन क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड का प्रीकर्सर है,
इम्पोर्टेंट है एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग हार्मोन इम्बैलेंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही हाइपरट्रॉफी होती है. मोस्ट ऑफ डिजीज हाइपरट्रॉफी होती है मेनली हार्मोन इम्बैलेंस. ड्यू टू इसके कारण क्या होता है, एक्सेस इंडोल एसिटिक एसिड फॉर्मेशन होता है. कहाँ पे, जहाँ पे फीडिंग साइट है वहाँ क्या हो जाता है, गॉल्स बन जाते हैं, नोड्स बन जाती है रूट्स में. यानी सेल का साइज इंक्रीज हो गया, सेल का साइज इंक्रीज हुआ और गांठे बन गई. गांठे क्या है, नोड क्या है, स्वेलिंग. दिस इज स्वेलिंग यानी हाइपरट्रॉफी. डीप्लॉइंग इन मई जून इज वेरी इफेक्टिव टू किल क्विस्केंट जुवेनाइल टू स्टेज, कंट्रोल ग्रो रेजिस्टेंट वेराइटीज लाइक टोमेटो हिसार ललित एसएल 120. वेरी इंपॉर्टेंट. मैनी टाइम क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन एग्जाम, विच इज रेजिस्टेंट वेराइटी अगेंस्ट निमेटोड डिजीज इन टोमेटो ब्रिंजल. ओके, सो हिसार ललित एसएल 120 इन टोमेटो वाइल ब्रिंजल ब्लैक ब्यूटी नील कांता. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मेलाडोगाइनी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेलाडोगाइनी की विच स्पीसीज, फंगस पेसिलोमाइसिस लिलियनिस. कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि दिस इज ए बैक्टीरियल और दिस इज ए फंगस. पेसिलोमाइसिस क्या है, फंगल बायोलॉजिकल कंट्रोल है या बैक्टीरियल बायोलॉजिकल एजेंट है, तो हमें ये पता होना चाहिए. पेसिलोमाइसिस लिलियनिस इज ए फंगल बायो एजेंट वाइल पेचुरिया पेनेट्रियस इज ए बैक्टीरियल बायो एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट मेलाडोगाइनिस बीटी कुर सकती. एंड यू कैन ऑल्सो यूज कार्बोप्यूरोन इन स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट नीम ऑयल ऑल्सो इफेक्टिव फॉर कंट्रोल डिजीज मैनेजमेंट ऑफ निमेटोड. तो एक बार वापस रिवीजन करेंगे, कुछ नहीं है इसमें इतना. निमेटोड क्या है, फ्री लिविंग एंड प्लांट पैरासिटिक निमेटोड है, नॉन एज निमेटोलॉजी. फादर एच सी बेस्टियन एंड एनेकॉब है. निमेटोड टू ग्रुप ग्रीक वर्ड से बना है, नेमा ऑइड यानी ग्रीक वर्ड है. थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म. ईयर कोकल डिजीज है, कोकल्स बन जाएंगे. ईयर जो बाली है उसमें गेहूं के स्थान पर क्या बन जाएगा, ग्रेन रिप्लेस हो जाएंगे कोकल्स में, गॉल्स में बन जाएंगे. और कॉम्प्लेक्स डिजीज है, क्लेविफेक्टिसाइड आल्सो इन्वॉल्व इन दिस. एंड दिस इज अ मैनेजमेंट एंड दिस इज अ पिक्चर एंड टिपिकल सिम्टम्स ऑफ ईयर कोकल ऑफ वीट. एंड मोलिया डिजीज हेटेरोडाइवेनाई, इसमें क्या है, कुछ नहीं है इसमें. सीरियल सिस्ट लाइक पैटर्न बन जाएगा, जिगजैग पैटर्न होता है सीरियल सिस्ट. सिस्ट का मतलब होता है सिस्ट वॉल पैटर्न होती है फीमेल पे. एंड मोस्टली एक चीज ध्यान रखो, टिपिकल करेक्टर निमेटोड के होते हैं, एक तो ड्वार्फ हो जाएगा प्लांट, दूसरा उसकी जड़ों में क्या हो जाएगा, गांठे बन जाएगी, तीसरा प्रोफ्यूज टिलरिंग हो जाएगी, चौथा येलोइंग हो जाएगा प्लांट, पांचवा बहुत जल्दी ईयर फॉर्मेशन हो जाएगा हेल्दी प्लांट से, और सिक्स जहां बात करें ईयर कोकल की उसमें गेहूं की बाली में कैसे बन जाएंगे, गॉल नजर आएंगे आपको, ठीक है, बजाय दानों के. तो हियर इज वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज टिपिकल कैरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट्स ऑफ निमेटोड डिजीज. अगर हम बात करें मेलाडोगाइनी की, चार स्टेज है इसमें. सेकेंड स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सेकेंड स्टेज इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है. Then I think his class is over.